Hey guys, welcome back to our channel. मेको अपने स्कूल से कूपन मिले आइसक्रीम का, पाया आइसक्रीम, जता आइसक्रीम। तो आज हम आइसक्रीम खाने चल रहे हैं और मम्मा पापा बाय करेंगे और मैं दोनों फ्री वाले खाऊंगा। Day. Which flavor do you want? I want the rainbow one. Always. What's the name of this ice cream? Which ice cream? This one. Captain Cyclone. Wow. ये मेरी है, ये आपकी है? नहीं. ये अच्छी लग रही है. हाँ, यार नहीं. हाँ. Shilp, that's bad. मेरी rum raisin थी. शिल्पा मेरी रम रेजिन थी। आपकी ही है। No, I don't want this. That was mine. Please take it back. शिल्पा, it's not good. ये अत्याचार है, शिल्पा। It's okay. अभी घर से निकले हैं डिनर करने के लिए। शाम के बज रहे हैं 5:05। आजकल डिनर रोज बाहर हो रहा है। कुछ खास रीजंस हैं इसके कि क्यों घर पे खाना नहीं बना रहे और रोज बाहर खा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको सारी बातें बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेट करनी है, आपको बतानी है। लेकिन आज हम जा रहे हैं बोल्टन में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में, उसका नाम है दाल रोटी। तो उन्होंने बोल्टन में इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड है कि यार हमारे घर के आसपास भी एक इंडियन रेस्टोरेंट आ गया। वरना जब भी इंडियन खाना खाने का मन करता था ब्रैम्पटन जाना पड़ता था। और आज कोई स्पेशल लोग हैं जो एमी से मिलने के लिए आ रहे हैं और वो हमें वहीं मिलेंगे। कौन आ रहा है? चीकू फैम। चीकू फैम, आपको पता ही होगा एमी के कजन है चीकू फैम, अमित के सिस्टर गुड्डू दीदी और रवीश जो वो यहाँ पर रहते हैं, आप उनको साक्षी के नाम से जानते होंगे शायद, रवीश व्लॉग्स तो सारे ही फॉलो करते हैं। तो पहले हम उनको डिनर कराएंगे दाल रोटी पे और उसके बाद हम लोग घर चलेंगे, ठीक है? तो जल्दी से भी उनसे मिलते हैं। मुझे मत बोलना, मैं भी हूँ। हाय बेटा, हाउ आर यू? हेलो, ये क्या? माय चाइनीज सिस्टर। कैसे हो? बढ़िया, बड़ा प्यार। सच में यार, गुड्डू चाइनीज हो गई है। गंगम स्टाइल। गुड्डू क्या लग रही है तू? मन कर रहा है आज इंडियन रेस्टोरेंट में चाइनीज खा लूँ। पाव भाजी चाय तो लेना। पर मेरा बस पानी पूरी खाने का मन है और बाकी वही एक एक थाली ले लेते हैं। बच्चों से पूछ लेते हैं बच्चों ने क्या खाना है। थाली लेना कि आला कार्ड? एक दही पापड़ी चाट में भी, दही पापड़ी चाट भी ले सकते हैं ना। वैसे तो मैं वेज में हमेशा ना वेज बिरयानी खाती हूँ, लेकिन मैंने कल ही खाई है वेज बिरयानी। आज से लोग रोज ही खा रहे, तो जो भी आप लोगों को खाने का मन करे ना वेज में, वो ऑर्डर करो, वो मैं खा लूंगी। नहीं, तू अपना वेज खुद कर। दही पापड़ी। Can you ask them to make the chicken biryani less spicy? A shoe made out of banana. But why somebody would make a shoe out of banana? A shoe made out of banana is actually a slipper. You know why a person will make a shoe? Because banana chilla chilla ke bolta hai banana banana. No, nahi banana. Unka bhi peeche raha hai peeche. Banana banana. Jiju ka methi matar malai khane ka man kar raha tha na Jiju ka. Bachcho, aapne kya khana hai? Something. Something khana hai. ठीक है. So आपके लिए एक something, आपके लिए anything. ठीक है. One something. Anything or everything. आपके लिए एवरीथिंग। हम लोग नॉनवेज में एक तो गोट करी ले रहे हैं, और अगर आपको चिकन की कोई डिश करनी हो तो फिर साथ में एक दाल मखनी तो कर ही लेंगे। बच्चे ना, खाना बचना नहीं चाहिए। गुड जॉब, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, हरा भरा कबाब। ओके, नाइस। एंड योर पानी पूरी इज जस्ट कमिंग। So, there was a ship with 40 people in total on, it said,
survived. And then 44 heads came out. Can you see again? How is that possible? इसको ना मैंने उठाया ना ऐसे आवाज ही आ रही कुरकुरे अच्छा अच्छा है अच्छा खाना नाइस या अभी अब हमारे घर के पास भी एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है ये तुम्हारा आइटम थोड़ा देर कर रहा है ओके मेरे गोलगप्पे मैं तो देखा था नहीं मेरे से इतनी दूर है मेरे को चश्मा पहन के देखने पड़ेंगे आए भी हैं यार ये क्या बक अबे काम करो टेकिला शॉट लगाओ ले आप तो मैं तो भाग मैं नहीं शॉट कभी कुछ मम्मी प्लीज डू इट एवर एंड टू द तो ये एक फीडबैक है There's still 40 people, but four. फटाफट ये खाते हैं यार उठाओ भाई वेज वालों चलो जी स्पाइसी है उसको छोड़ दो मटन है हाँ वहाँ दे रही हूँ मैं नहीं आपका टच करना भी पाप है दही पापड़ी चाट अभी तक मुझे सबसे अच्छी लगी बड़े दिनों के बाद मैं भी ढंग से खा पा रहा हूँ क्यों भाई बड़े दिनों के बाद क्यों कल क्या किया था दांत की वजह से मटन बिरयानी है मैंने राइस खाया है बस अच्छा पराठा बहुत अच्छा है खाना अच्छा पराठा अच्छा पराठा बहुत अच्छा है हमेशा जब आप लोग आते थे हम लोग ब्रैम्पटन तक जाते थे खाना खाने के लिए लेकिन बोल्टन में आज बैठ कर खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया पहले तो बड़ी अच्छी बात है दूसरा हाँ चेरी ऑन द केक है बिरयानी इनकी बहुत अच्छी है भाई वेज बिरयानी मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी वो भी अच्छी थी वेज बिरयानी अच्छी थी ये वाली बिरयानी बहुत अच्छी है शिल्पा जैसे लोग जिनको सिर्फ चावल ही खाना है आप लोग ये रेस्टोरेंट चला रहे हो ये हाँ जी अच्छा कब आपने स्टार्ट किया था ये जी हमने ये शुरू किया था दिसंबर 2021 6 months हो गए अच्छा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लाइक बोल्टन में यार यहाँ पे इंडियन तो है नहीं इतने ज़्यादा आपने इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया तो हमने ट्राई किया कि बोल्टन में ट्राई करते हैं कि गिव्स एन एक्सपोजर टू डिफरेंट कम्युनिटीज एज वेल मतलब कि वाइट कम्युनिटीज़ होगी या डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी हो गए तो आपको एक मौका होता है कि आप एक्सपोजर मिलता है कि इन कम्युनिटीज में भी जाके आप अपना फूड उनको ट्राई करवाएँ एंड यू कैन गिव दैम द फील दैट व्हाट इज बी लाइक ट्राइंग इंडियन एंड बाकी आसपास के एरियाज में तो है ही जैसे ब्रैम्पटन और मिसिसागा में तो बहुत इंडियंस है ही तो हमें ताकि उनको थोड़ा इस तरफ दिखाएं कि बोल्टन में भी आया जाए ताकि सारे बिजनेसेस को थोड़ा सा प्रमोशन मिले एंड जैसे लैंडमार्क वगैरह में भी मूवीज़ वगैरह लगे इंडियन जैसे अभी लगती नहीं है क्या पता हमारी वजह से लगने लग गया तो हमने अप्रोच करा उन्हें भी क्या होता है ना कि अब देखो सिनेमा के पास है तो अच्छी बात है कि आफ्टर मूवी यू कैन ट्राई इंडियन फूड एंड स्पेशली दाल रोटी इट्स अ इंडियन कुजीन व्हिच गिव्स यू अ फीलिंग टू बी इन इंडिया जब आप फूड खाते हो एंड आई होप यू एंजॉय योर मील टू नहीं हमें खाना बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच और ये बताओ आपके पास सबसे ज़्यादा क्या चलता है यहाँ मतलब गोरे क्या खाते हैं गोरे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बटर चिकन थोड़ा स्वीट होता है एक और चीज़ मुझे पता है कि यहाँ लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हम जब घर पे पार्टीज वगैरह करते हैं हमारे जो यहाँ नेबर्स हैं वो आते हैं मोस्टली जो गोरे हैं यहाँ पर उनको समोसे बहुत अच्छे लगते हैं हाँ जी आपने रखे हुए समोसे समोसे रखे हैं चाट कॉर्नर में बस पाव भाजी है समोसे हैं स्प्रिंग रोल्स है चिकन टिक्का है पनीर टिक्का है यू कैन ऑल्सो ट्राई एनीथिंग दैट यू लाइक ये आपकी किचन है हाँ जी सर सर यार ये सबसे अच्छी बात है बड़ी साफ सुथरी सी किचन है यार आपकी सर हमारा मेन फोकस ये रहता है कि मतलब हाइजीन पे थोड़ा ध्यान रखें हेलो हाय हाउ आर यू गाइस गुड 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 आप शेफ हो यहाँ पर जी सर बहुत अच्छा खाना था यार थैंक यू सो मच थैंक यू भाई मज़ा आया खाना खा के भैया किचन आपकी अच्छी बड़ी किचन है यार दिक्कत आ रही है
हम तो यार यहाँ आते रहते हैं सच बताऊँ तो। ये हमारा आई थिंक ये चौथा या पांचवा चक्कर है यहाँ पर, ठीक है, और हर बार खाना हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारा सर तंदूर है, ये फ्रायर है, ये हमारा नान स्टेशन है। ओके, हम नान बनाते हैं, नेपटाइजर्स तैयार करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारा मेन स्टेशन जो है अपना करीज का स्टेशन। ये सारा हमारा प्रेप्स होती है। तो ये आप मतलब साथ साथ ही बनाते हो, फ्रेश प्रिपरेशन है, सब कुछ फ्रेश है। जैसे अगर आप ये देखें तो अभी हमने चिली भी ऑन द हाउस ही काटी है, ये अच्छा। कुछ भी काट के रखते हैं कुछ भी, ठीक है। तो बस ये हमारा स्टोव है, ये बड़ा यमी सा लग रहा है। क्या बन रही है ये? चिकन बिरयानी है सर। चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी? हाँ जी। अच्छा, चिकन बिरयानी में मिक्स होगा, उसका मसाला बन रहा है? हाँ जी, मसाला बन रहा है उसका। हम सारा कुछ, ये नहीं कि बिरयानी बनी हुई है, सब डाल के दे दी। अच्छा, ये अभी उसका मसाला बनेगा, देन राइस बॉईल होके आएंगे, उसके बाद वो सारा मिक्स होकर जाता है। तो डिनर हो गया, अब चल रहे हैं घर। डिनर हो भी गया और कल का लंच भी पैक हो गया उसके डिनर में, तो वी हैड अ नाइस टाइम। आप भी यहाँ पर आते हो, रेस्टोरेंट को ट्राई करते हो, तो इनको जरूर बताना कि आप चटचट छलबा से आए हो, दिल गिव यू 15% डिस्काउंट ऑन दैट। और खाना कैसा लगेगा ऑनेस्ट ओपिनियन देना, न्यू रेस्टोरेंट है, दे आर लुकिंग फॉर द फीडबैक, और आप फीडबैक दोगे तो उससे आगे रेस्टोरेंट इम्प्रूव भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो आप जल्दी से घर चलते हैं। Here in our family, me. It's very hard to be cute. Yeah. Yeah. You are still doing it. I am already cute. You're already cute. Guys, I want to show you something. ये क्या था? Give me any brush. Give me the blue color brush. यहाँ पे क्या हो रहा है वैसे? यहाँ पे एमी ने मुझे चैलेंज किया है. एमी? क्या चैलेंज किया एमी? So who draws paint better? Who paints better? Who paints better? So Emmy already knows, she already knows that it will be me who will be the winner. Right, Emmy? No, I know. It will be me. I will be the winner. तो ड्रॉ भी सेम करना है। चलो आप दोनों को मैं बता दूं क्या ड्रॉ करना है, ठीक है? आप दोनों को मम्मा का फेस ड्रॉ करना है। मम्मा का फेस ड्रॉ करना है बेटा, कुछ डरावना सा बनाना है आज। Here is mine. This is mine and this is Papa's. Okay. अब मैं अपना honest opinion दूँ, मुझे सबसे अच्छा gift क्या लगा? मेरा ये. Amy का. No, it's mine. Amy is the winner. Guys, मेरे बाइफ भी नहीं हुई हूँ. देखो, Amy ने कितना प्यारा style बनाया है. कि मतलब मैं फिर ना मेरा fight pose. अमित आपकी पेंटिंग में मैं बिल्कुल बंदा नहीं लग रही यार. बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। मैंने अपने पेंटिंग में पूरी फीलिंग्स डाली है। शट अप। एमी ने मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया। थैंक यू एमी। एमी इज द विनर।